हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा अदानी पावर एंड अदानी विलमार के स्टॉक पे। अदानी विलमार की बात करें तो लगभग 1.5% डाउन ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर की बात करें तो लगभग 2.5% गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। ऊपर से दोनों ही लोअर लेवल्स पे आते दिख रहे हैं सुबह से, एंड डे लो पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मार्केट में भी काफी वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखी है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद। पहले ऊपर गई एंड अभी नीचे, एंड अभी 100 points डाउन ट्रेड कर रही है। ऐसे में इन दोनों स्टॉक्स में अगर किसी के पास पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करनी चाहिए आपको अपनी पोजीशन? क्या ये एक फ्रेश बाइंग के कैंडिडेट हैं, या फिर जिनके पास पोजीशन है उन्हें इस स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए? इसके बारे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज को लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा इन स्टॉक्स को लेकर दोनों ही। अदानी विलमार, जहां मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू 750-700 रुपए से सेलिंग की राय दे रहा हूं, अभी तो खैर कुछ भी गिरा नहीं है, स्टॉक एक ही दिन में ऊपर आ जाता है। एंड अदानी पावर 323-325 के लेवल से आपको प्रॉफिट बुक और सेल की रिकमेंडेशन दी। परसों फ्राइडे को मेरी वीडियो आई अदानी पावर अदानी विलमार पे, मैंने आप सभी से प्रॉफिट बुक और एग्जिट के लिए सेम राय दी। एंड सडनली क्या हुआ कि मंडे को स्टॉक में तेजी देखने को मिली, जहां स्टॉक 298 और 95 के अराउंड स्टॉक गया। ठीक है, वहां एक व्यूअर थे जो काफी एग्रेसिव हो गए मेरे ऊपर और काफी कुछ बोल दिया उन्होंने मुझे, एंड कि छोड़िए वो सब ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है, तो काफी मतलब गलत गलत सब प्रयोग करे उन्होंने, एंड 3-4 कमेंट्स दबा दब उन्होंने करे एंड कहा कि अदानी पावर पे आप तो ऐसे कह रहे थे वैसे कह रहे थे एंड स्टॉक इज अप अराउंड 5%। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए मैं अदानी विलमार पे 650 रुपए से प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहा था, स्टॉक 878 तक गया। ठीक है, 650 से 878 तक मैं कितना गलत पड़ा, लगभग 20-25% मेरे व्यूअर्स का पैसा छूटा सिर्फ मेरी वजह से। मैंने वीडियो बनाई, मैंने आप सभी से माफी मांगी, लेकिन मैंने अपना व्यू चेंज नहीं करा। मैंने आपसे कहा ये प्रॉफिट बुक के ही मौके हैं, यहाँ प्लीज ट्रैप मत होना। मैं कह रहा हूं जिसने प्रॉफिट छोड़ा चलिए वहां तो कोई बात नहीं, मैंने माफी मांग ली, लेकिन जिसने मेरे कहने से नहीं खरीदा वो कितना बचा आप देखिए। 878 से जब गिरावट स्टॉक हुई तो 550 आया स्टॉक, तो जिसने 700 पे मेरे कहने से प्रॉफिट बुक करा वो तो फायदे में ही रहा, लेकिन जिसने मेरे कहने से खरीदा नहीं उसने कितना पैसा बचा लिया। ये ऐसे स्टॉक है जहां पब्लिक ट्रैप हो जाती है, आपको मैं ट्रैपिंग से बचा रहा हूं बस सिंपल। मैं क्या कह रहा हूं, स्टॉक मोमेंटम में चल रहे हैं एंड अदानी ग्रुप पूरा मोमेंटम में चल रहा है। अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन आपके सामने 3000 वाला 1800-2000 पे ट्रेड कर रहे हैं आज। लोगों का पैसा बना नहीं है, गवाया है। पैसा बड़े लोग बना रहे हैं, गवा छोटे लोग रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट तो 10-15% में बुक करता है, लेकिन लॉस वो पूरा लेके जाता है घर पे। जब तक स्टॉक गिरता जाता है वो रखा रहता है, एंड वन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है, फिर वो पेशेंस लेवल खोता है एंड सेल कर देता है। यही मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, अदानी पावर हो या अदानी विलमार हो, ये लेवल खरीदने वाले नहीं है। बेशक कल से ऊपर चले जाएं, परसों से ऊपर चले जाएं, बट मैं आपसे यही कहूंगा जिसके पास पोजीशन है वो पूरी बुक ना करे, पूरा एग्जिट ना ले, बट उसको पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, इतनी ही क्वांटिटी रखे। एक्चुअली इन स्टॉक्स में लोग हैवी भर भर के माल खरीद लेते हैं। आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में करना क्या मैं एक भी बात ऐसी बोल रहा हूं जो आप लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हो अपने साथ। इन स्टॉक्स में पब्लिक हैवी बाइंग करती है, क्यों? क्योंकि उसे दिखता है जल्दी पैसा बनाना, उन्हें लगता है कल स्टॉक भाग जाएगा 5-10% मैं बुक कर लूंगा, बस दैट्स इनफ फॉर मी। एंड इसी चक्कर में 5-10% के चक्कर में वो कभी कभार बड़ा लॉस हो जाता है, एंड यही प्रॉब्लम है। वो जो हैवी क्वांटिटी जो अपने मैनेज नहीं हो सकती, यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इतनी क्वांटिटी रखो बस कि अगर इन केस स्टॉक गिरना स्टार्ट हो तो आपकी पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े, चाहे लोग बर्बाद हो जाए कुछ भी हो, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो मैनेज रहे। आप अदानी पावर मींस अदानी पावर का पैसा इतना है कि बाकी पोर्टफोलियो मेरी सेफ है, अदानी पावर बेशक डूब जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डूब जाए मींस खत्म नहीं होने वाला, बट ये स्टॉक वन साइडेड भागा है, वन साइडेड गिर भी सकता है। एंड आप सभी देख रहे हो 3 महीने में लगभग स्टॉक 100% प्लस के रिटर्न्स दे चुका है, एंड अदानी ग्रुप बहुत तेज भाग रहा है, इसी के चलते स्टॉक भागे। बट मुझे यहाँ से 250 रुपए तक का मूव नीचे के लेवल्स दिख रहे हैं, तो अभी आप पोजिशन को हल्की करके रखें। बात करें अदानी विलमार की, तो ये स्टॉक आपको जो है लेवल्स वाइज कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, हो सकता है यहां से दोबारा कंसोलिडेट करके तेजी बनती दिखे,
बट स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है 710 रुपए के ऊपर, तब तक हमें अपनी पोजीशन नीचे के लेवल्स पे काटनी ही चाहिए एंड फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। स्टॉक अराउंड 570 के पास आ रहा है तो वहां हम लोग सोच सकते हैं फ्रेश एंट्री लेने के लिए, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं बनता है अदानी विनमार में मेरे हिसाब से। आपके पास पोजीशन है तो अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग कैरी करें। आप मेरे व्यू को क्लियरली समझिए, मैं इस पे ना नेगेटिव हूं ना बुलिश हूं, मैं एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए वीडियो बना रहा हूं जो फंस ना जाए, जो रिस्क लेना नहीं जानते हो, नए आए हो मार्केट में। एक मेरे पास कमेंट आया कि आई एम न्यू इन स्टॉक मार्केट एंड मैंने अदानी पावर के स्टॉक खरीदे हैं एंड नाउ आई एम इन लॉस। तो बिग लॉस, ह्यूज लॉस बोलते हैं, मतलब आते एकदम बड़े शेयर खरीद लिए, हैवी शेयर बाय कर लिए एंड फिर उन पे झिलती नहीं है पोजीशन अपनी। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इतनी जल्दी पैसा बनाने की ना सोचें। ये स्टॉक जहां आप जल्दी पैसा बनाने की सोचेंगे वहां रिस्क बहुत लेके जा रहे हैं आप। आपके पास इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो अभी आपको बेशक लॉस में दिखेंगे, लेकिन आने वाले 6 से 8 महीने में आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी बड़ी और बेहतरीन पैसा बनेगा। तो ये मेरा व्यू बन रहा है अदानी विनमार एंड अदानी पावर पे। होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो एंड होप अगर कल से अपर सर्किट लगे तो आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझें, जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे इमोशंस को समझें। मैं बियरिश नहीं हूं, मैं आपसे आपकी पोर्टफोलियो मैनेज करने को कह रहा हूं, बस सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।